अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच 28 अगस्त को होगा, देखेंगे इंशाल्लाह, जरूर देखेंगे। तो आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम मैच जीतेगी? मेरे ख्याल से इस बार थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं शाहिद साहब ने जो गया वो रूल आउट हो गए, क्योंकि पिछले बार बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया था उसने अपनी टीम को हर दिशा में। वसीम जूनियर है जो कि अच्छे फॉर्म में था, वो भी इंजर्ड हो गए। तो इस वक्त हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे जो लगता है, तो हम अगर हारेंगे तो सिर्फ बॉलिंग की वजह से हारेंगे, बाकी हमारी बैटिंग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। बाबर आजम है वो माशाल्लाह बहुत कंसिस्टेंट है और बहुत फॉर्म में भी है, माशाल्लाह अपने लाइफ के पीक फॉर्म में चल रहे हैं। रिजवान है जो कि T20 के हाईएस्ट रन स्कोर है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही, और टेस्ट वो भी मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है, लग गया हमारे पास फखर है नीचे वन डाउन पे। जी जी, बैटिंग के लिए आप समझते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बैटिंग के बारे में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी बैटिंग में हमें, नहीं होगी होगी हमें अगर हमारी, तो वो होगी हमारी बॉलिंग की वजह से, मतलब हारेंगे तो बॉलिंग की वजह से। अच्छा, एक पॉइंट और भी है कि पाकिस्तान का स्पिन अटैक भी थोड़ा कमज़ोर है ना, नज़दीक हो जाए स्पिन अटैक के खिलाफ खेल पाएंगे? ज़रूर खेल पाएंगे, हमारे पास तो हमारे जो प्लेयर्स हैं माशाल्लाह वो अच्छी तरह स्पिन खेलते हैं। अच्छा, तो हाँ हमारे जो हमारे पास इस बार बॉलिंग लाइनअप जैसे मैंने कहा बहुत वीक है हमारी, शादाब का इंतजादम था के अलावा हमारे पास कोई चेस स्पिनर भी नहीं है, जैसे हफीज का ऑलराउंडर था वो डिफेंडर थे जो बहुत खतरा बन गया वो भी नहीं है। मेन जो फैक्टर था हमारा शुएब मलिक वो भी एक बार उन्होंने सेलेक्ट ही नहीं किया उनको, इस बार आई थिंक थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक अब सीनियर प्लेयर नहीं है, तो आप क्या समझते हैं मोहम्मद नवाज और शादाब खान अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे? शादाब खान पे तो मुझे है भरोसा, क्योंकि उसने लास्ट टाइम भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और इसी कंडीशन में की थी। नवाज से मेरे इतने ही गोल नहीं है, अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे। आपका पसंदीदा खिलाड़ी? चले होप फॉर द बेस्ट फॉर बेस्ट फॉर पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह, आप दुआ कीजिएगा। आपका पसंदीदा खिलाड़ी करेंगे आपका? हाँ जी जी ठीक है। और आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? बाबर आजम। इंडिया की तरफ से कौन सा है? और इंडिया की तरफ से आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? विराट कोहली। विराट कोहली, क्या बात है, ये दोनों का टकराव होगा देखने में इंशाल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि विराट कोहली भी परफॉर्म कर ले। जी जी जी, वो मेरा बेस्ट प्लेयर और तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है पाकिस्तान के, एक ऐसे टीम को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और बहुत फ्रेंडली है। मैंने पिछली बार जब परसों मैंने जो फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे में लड़े गए थे, लेकिन उनके जो है ना कौन सी डाउट फील वो आपने नहीं, बहुत ज़बरदस्त है उनकी जो ताल्लुकात हैं। बहुत अच्छे तजियात आपने, बहुत अच्छे ख्याल का इजहार किया। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान में बाबर आजम। अच्छा, और इंग्लैंड से जो जय रूट जैसे। अच्छा, और दूसरा और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान कैसे से बात है? मोहम्मद रिजवान तो अच्छा प्लेयर है, आज पता है इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद। अच्छा, चलिए परसों आप देखेंगे मैच इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत से चांस हैं जीतने के, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे टैलेंट बॉलर आ गए ना, वसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, सारे अच्छे हैं बैट्समैन आ गए, फखर जमान, रिजवान, बाबर, हसन अली, बहुत से अच्छे बैट्समैन हैं जिसे पाकिस्तान आगे जीतेगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत दुआएं कीजिएगा, होप फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान टीम, जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हो रहा है उसमें कौन सी टीम को सपोर्ट करें? पाकिस्तान। कैसी कंडीशन है, क्या हालात है पाकिस्तान? थोड़ा नज़दीक हो जाएगा हमारी तरफ, पाकिस्तान से बाबर, रिजवान, फखर, बॉलर भी शहीन है, नहीं शहीन तो खैर चला गया है, उसकी जगह रामदास आदर्श करते हैं और स्नेह अली हैं, नसीम शाह, नसीम शाह, नसीम शाह बहुत अच्छे जर्नलिस्ट करते हैं और इन शाला पाकिस्तान भेजी जाए। इसके बारे में ख्याल तो भाई यही है और दुआएं भी हमारी यही हैं कि पाकिस्तान जीते, लेकिन थोड़ा सा सिलेक्शन पे मसला चल रहा है कि इन्हें शाइन की जगह थोड़ा सा स्नैन को जो था ना उस पर आया कि नहीं लेके जाना चाहिए था, उसकी जगह आमिर है, वहाब है इनके पास, इन्हें लेके जाना चाहिए था। लेकिन सिलेक्शन में आजकल ये मसला चाह रहा है कि जो नया आता है उसको रख लेते हैं, पुरानों को भूल जाते हैं। आपने पीछे हिस्ट्री में देखा होगा जुनेद खान था, उमर गुल था, अनवर अली जैसा ऑलराउंडर इनके पास था, उसके बाद वो आसिफ था, मोहम्मद आसिफ जैसा बॉलर जिसकी बहुत किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन ज़ाया कर दिया है। इस पर थोड़ा सा उठता है सवाल, बाकी उम्मीद और आस है हमारी पाकिस्तान पर,
देखें इंशाल्लाह बेहतर होगा जो भी होगा। अच्छा, बैटिंग के वाले से आप क्या कहते हैं, बैटिंग वाले ठीक है? बैटिंग के हवाले से तो मेरा ख्याल है बैटिंग ठीक है, बाबर, रिजवान, फ़खर है, हैदर अली अच्छी फॉर्म में है, फिर भी हैदर अली कई, लेकिन शुएब मलिक का तो मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे मुड़े वाला बंदा है, और फिर भी खैर अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए जो भी रखे। अच्छा, मेरे ख्याल में तो इफ्तिखार अहमद की जगह शुएब मलिक को आना चाहिए था टीम में, लेकिन खैर उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते, वो दुआएं भी यही है। बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। और आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? फेवरेट प्लेयर भाई मोहम्मद रिजवान। अच्छा, बाबर आजम के बारे में क्या ख्याल है? बाबर आजम भी अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल में वो T20 के लिए थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसके पास ज़्यादातर ड्राइव्स है और ज़्यादातर वो छक्का नहीं मतलब मारता है, ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो थोड़ा ना मेरे ख्याल में ओडीआई और टेस्ट के लिए वो बेहतर है, T20 के लिए वो थोड़ा सा नंबर वन बैट्समैन है। अच्छा, ये कोहली की फॉर्म वापस आ जाएगी भाई? ये तो मैच पे डिपेंड करता है, अब जिस तरह गई थी हो सकता है वो इस मैच में वापस आ के, जिस तरह आपने देखा था पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी उसने 58 मारा था सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, उसने अच्छा खेला था, तो उम्मीद है कि अच्छा खेलेगा। अब ये बैट्समैन की मेहनत पे भी जाता है कि उसने इतनी मेहनत की है, जितनी उसने मेहनत की होगी उसका उसे फल मिलेगा। चलिए, उम्मीद तो यही है कि उम्मीद तो दुनिया कायम है, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बताइए आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर है? उसके अलावा जो है ना दूसरा बैटिंग भी भाईजान आपसे पूछ सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होना उनमें कौन सी टीम को सपोर्ट करेंगे? ये अपने पाकिस्तान की तो कौन सी टीम, आपका क्या ख्याल है कौन सी टीम है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच आ रहा है 28 को एशिया कप का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे मैच जो है इस वक्त हमारे मुल्क का जो सूरत हाल है वो खासी ख़राब है, मेरे ख्याल में ये मैच इतना ज़रूरी नहीं है। आप देखें कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ख़ास करके सिंध और बलूचिस्तान जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त सैलाब की जर्द में और मुकम्मल तौर पर तकरीबन सिंध और बलूचिस्तान तबाह हो चुके हैं, जितने भी वहाँ के MPs और MLAs हैं वो कोई तो लाहौर में बैठे हुए हैं, कोई इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान के जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो जाके कराची में बैठे हुए हैं, और पूरी तरह जो है ना ये मुल्क जो है ना इस वक्त सैलाब की जर्द में है। ऊपर से हमारे हुक्मरान जो है वो इस्लामाबाद में जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, नहीं उस पे तो चले वो बात तो ठीक है, वो तो एक सियासी जो क्रिकेट हो रही है ये गैर जरूरी चीज़ है। इस वक्त हमें अपने मुल्क का दिफा करना चाहिए, जो हमारे हज़ारों और लाखों लोग जो बेघर हुए हैं उनको आबाद करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से इस्लामाबाद हुकूमत को जो है ना फ़ौरन वहाँ जो अपनी पूरी मशीनरी के जरिए वहाँ शिफ्ट होना चाहिए, और बलूचिस्तान को देखना चाहिए, सिंध को देखना चाहिए। चले वो बात तो ठीक है, लेकिन क्रिकेट से खुशी भी तो मिलती है ना, जब क्रिकेट नहीं खुशी तब होती है जब हमारे मुल्क के अंदर कोई अमन हो, सारा मुल्क पर अमन हो, मुसर एक खूबसूरत अच्छी हुकूमत हो। ठीक है, ये तो अफरो तफरी का माहौल है, और हम तो दुआ करते हैं अपने मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में बेहतरी करे, लेकिन ये जो हमारे सियासतदान हैं ये तो क्रिकेट क्या, यहाँ तो लोग रातों की नींदें लोगों की उड़ी हुई है, महंगाई ऊपर से इतनी ज़्यादा हो रही है, सैलाब आ रहे हैं, कहीं कहीं दिनों से रास्ते बंद हुए हैं, माल बरदार गाड़ियाँ पूरे पाकिस्तान में रुकी हुई हैं। चलें, आप तो नाराज़ी हो गए हैं, मैं तो वैसे क्रिकेट के वाले से पूछ रहा था आपसे कि नहीं, वो आपने बात ऐसी की है ना क्रिकेट की, भाई हमें इस वक्त क्रिकेट की ज़रूरत नहीं है ना, हमें तो इस वक्त अपने मुल्क का दिफा करना है भाई। पाकिस्तान का कौन सा? पाकिस्तान का शाहिद अफरीदी। वाह जी वाह, वो तो चला गया। अभी जो वो है जो क्या नाम है बाबर आजम, कैसा लगता है? बाबर आजम भी ठीक, और रिजवान ठीक है? रिजवान भी ठीक, जबरदस्त। हाँ, उसका कौन सा? राशिद। राशिद वाह जी वाह, राशिद खान बहुत अच्छा स्पिनर है, और दूसरा वो मुजीब, वो कैसा लगता है? वो भी अच्छा है, और वो जो कैप्टन उनका वो पसंद है नबी, नबी शाहिद वो भी अच्छा। पाकिस्तान राशिद खान, क्या बात है क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और पाकिस्तान का कौन सा फेवरेट है? अच्छा, मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम कैसा लगता है? वो भी ठीक है। जबरदस्त की राय थी पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से, तो आप लोग हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।